दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपनी लास्ट क्लास में संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात किया था। आपने भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी, अच्छे तरीके से टॉपिक आपको समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस पर आधारित जितने प्रश्न होंगे उसका एक बार आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। आज की क्लास में हम लोगों को बात करनी है एक नए टॉपिक की और वो टॉपिक है आपका नागरिकता। दोस्तों, नागरिकता जो है वो आपको भारतीय संविधान के भाग दो में दिखलाई पड़ता है और यहाँ पर जो आर्टिकल्स की बात होती है उसका प्रावधान आपको आर्टिकल 5-11 के बीच में किया गया है। बहुत बेसिक सा सवाल आपको यहाँ से भी मिलता है कि किस भाग में और किस अनुच्छेद में आपको नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नागरिकता से संबंधित जो अलग अलग तरीके हैं नागरिकता को प्राप्त करने के, वो कौन कौन से तरीके हैं और कभी कभी उसमें कंडीशन आपसे पूछी जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो सवाल यहाँ से बनते हैं वो बहुत बेसिक बनते हैं और पॉपुलर सवालों में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ज़्यादातर सवाल आपको किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, किस सूची का विषय है, ऐसा आपसे सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। तो हर एक बिंदुओं को हम लोग आज की क्लास में अपने देखेंगे और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे उसकी भी चर्चा हम लोग आज की अपनी क्लास में करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा, नागरिकता आपका आज का टॉपिक है। नागरिकता के बारे में हम लोगों को अपनी सारी जानकारी आज लेना है। टॉपिक का नाम है आपका नागरिकता या सिटीजनशिप इसको कहा जाता है। टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप। तो दोस्तों, नागरिकता जो शब्द आपको दिया गया है, बहुत शुरुआत से अगर हम लोग बात करें तो नागरिकता शब्द आपको जो यहां पर दिया गया है, एक बात ध्यान रखिएगा कि नागरिकता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। नागरिकता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब कहने का यह है कि नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा, तो इस बात की डेफिनेशन आपको पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो नागरिकता को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिक कौन होगा और इसके बारे में क्या प्रावधान है, इसका जिक्र जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बतलाया गया है। तो अगर एक बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछा जाए कि नागरिकता को कहां पर परिभाषित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि नागरिकता को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। नागरिकता की अगर हम लोग बात करते हैं कि नागरिकता आखिर है क्या, तो नागरिकता को अगर हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें कि नागरिकता क्या है, अगर इसको समझने की कोशिश करें अपार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अलावा, तो नागरिकता जो होता है वो राज्य और व्यक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में या मैं अगर कहूं कि किसी भी देश में जो रहने वाले लोग होते हैं, निवास करने वाले लोग होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, नागरिक कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग चाहे तो व्यक्ति कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि ये कोई विदेशी है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिटीजन कहते हैं, नॉन सिटीजन। और ये नागरिक जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिटीजन कहा जाता है। तो नागरिक और नॉन सिटीजन, जो गैर नागरिक हैं और नागरिक हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में या किसी भी देश में रहने वाले लोगों को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। एक को हम लोग सिटीजन कहते हैं और अनदर जो होता है उसको हम लोग नॉन सिटीजन कहते हैं। जो ये नागरिक होता है, जितने भी प्रकार के पॉलिटिकल राइट होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो किसको मिलते हैं, वो मिलता है केवल और केवल सिटीजन्स को मिलता है, जबकि जो नॉन सिटीजन हैं उनको पॉलिटिकल राइट जैसा कोई भी बात देखने को नहीं मिलती है। तो अगर अब कहें कि नागरिक क्या होता है, तो जैसे कि यहां पर आप लिख सकते हैं कि यह जो नागरिकता है वह राज्य और
व्यक्ति के मध्य संबंध को बतलाता है, संबंध को बतलाता है, तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। तो नागरिक का मतलब क्या हो गया कि जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंधों को बतलाने का काम करता है। संविधान के द्वारा जो है वो नागरिकों को राजनीतिक और संवैधानिक विशेषाधिकार मिलता है, किसको, तो वो मिलता है केवल और केवल नागरिकों को। तो यहां पर एक चीज आप और नोट करिएगा कि जो नागरिक होते हैं इनको क्या मिलता है, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार इनको राजनैतिक और संवैधानिक, राजनैतिक और संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त होता है, विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ये बात समझ में आएगी। अब दूसरी बात, अगर हम लोग कहें कि नागरिकता किस सूची का विषय है, तो आपको मालूम होगा हम लोगों ने 3 सूचियों की चर्चा किया था, तो आपको पॉइंट बनाना होगा कि जो नागरिकता है ये किस सूची का विषय है। तो आंसर आप लगाइएगा कि यह संघ सूची का विषय है, और संघ सूची का विषय होने का मतलब हो गया कि इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा ये किसके पास होगा, तो ये होता है केंद्रीय संसद के पास, देश की संसद के पास होता है। नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कानून बनाना है तो वो अधिकार किसको मिलेगा, तो केंद्रीय संसद के पास इस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। दोस्तों प्रारूप की अगर हम लोग बात करते हैं कि ये किस टाइप का है, तो प्रारूप जो नागरिकता का है हमारे यहां वो कैसा है, ये होता है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे राज्य होता है, यानी कि संघ हमारा जो भारत है उसकी अलग अलग इकाइयां होती हैं, तो संघ का नागरिक होना पड़ेगा, यानी कि भारत का नागरिक कोई भी आप लिखेंगे तो वो भारत का नागरिक होगा, न कि आप ये लिखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या बिहार के नागरिक हैं या मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, हरियाणा के नागरिक हैं। तो आंसर आपको क्या लगाना होगा, भारत का नागरिक होता है, एकल नागरिकता का प्रावधान आपको किया गया। दूसरा, तीसरा पॉइंट आपको मिलता है कि इसको हमने कहां से लिया है, जो सिंगल सिटीजनशिप की बात हम लोग करते हैं तो ये कहां से लिया गया। अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाता है तो आंसर आप लगाएंगे कि इसको हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया। कहां के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। हमारे देश के जो संविधान में नागरिकता है वो सिंगल है, और इस बात को हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसका प्रावधान आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो जब हम लोग बात करते हैं प्रावधान की, इसके प्रोविजन की, तो प्रोविजन दोस्त आपको मिल जाता है संविधान का भाग 2 है, और अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करते हैं तो अनुच्छेद 5-11 यानी कि 5-11 के मध्य प्रावधान किसका किया गया है, नागरिकता का प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत बेसिक से पॉइंट हैं, और अक्सर आप देखते होंगे परीक्षाओं में तो सवाल आपको यहीं से मिलता है। सवाल क्या मिलता है कि नागरिकता किस सूची का विषय है, तो आप लगाइएगा संघ सूची का। नागरिकता का स्वरूप कैसा है, तो वो एकहरी है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो कहां से लिया गया है इसको, तो ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया। कहां पर इसका प्रोविजन है, तो पार्ट 2 में और आर्टिकल 5-11 के बीच में आपको दिया गया। अब यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हम लोग नागरिकता की ये बात कर रहे हैं, इसको लागू कब किया गया था, तो इसको लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और आप जानते हैं कि इसी दिन हमारे देश का संविधान जो है, हमारे देश का संविधान
ये बनकर तैयार हुआ था, ध्यान रखिएगा, बनकर ये तैयार हुआ था, तैयार हुआ, लेकिन इस दिन पूरे प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जिसमें आर्टिकल 394 भी शामिल है। अब यहां पर ध्यान आपको क्या रखना है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे, सवाल आपको पूछा जा सकता है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को किस तारीख को लागू किया गया, तो ध्यान रखिएगा जिस दिन संविधान बन करके पूरी तरह से लागू हुआ, पूरी तरीके से बन करके तैयार हुआ, उसी दिन नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान थे उसको उसी दिन लागू कर दिया गया। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे उसको कब लागू किया गया। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि जो हमने यहां पर दो शब्द लिखा हुआ है, एक नागरिक होता है, दूसरा व्यक्ति होता है या विदेशी होता है। तो कोई भी व्यक्ति है तो एक सिटीजन और एक नॉन सिटीजन होता है। जैसे यहां पर प्राचीन समय में भी आपने देखा होगा कि जैसे कुछ जो प्रजा होती है ये क्या करती है, ये कर्तव्यों का पालन करती है। इसके अलावा जब हम लोग नागरिक की बात करते हैं तो वो अधिकारों का उपयोग करती है। तो दो बातें यहां पर आपको और भी ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग नागरिक की जब बात करते हैं तो ये क्या करती है, इनको अधिकार प्राप्त होते हैं, और अगर हम लोग प्रजा के रूप में बात करते हैं तो इनको कर्तव्य दिए जाते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो कर्तव्यों के वायलेशन होने पर उसको अगर नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार के पनिशमेंट की बात नहीं की जाती, लेकिन जब आप राइट्स की बात करते हैं तो राइट अगर आपका वायलेट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो कर्तव्य जो होते हैं वो नॉन पनिशिएबल होते हैं और जो राइट्स होते हैं वो पनिशिएबल होते हैं, यानी कि उस पर दंडित किया जा सकता है। आगे चल करके आप एक टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट और उसके आगे फंडामेंटल ड्यूटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि नागरिकता की कर्तव्य और अधिकार में किस बात का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी, इसको आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। और अब जब हम लोग बात करने चल रहे हैं नागरिकता की, तो नागरिकता जो होता है वो देखा जाए तो दो तरीके से होता है। एक हम लोग कहते हैं कि जन्म से नागरिक होना, और दूसरा होता है एक रक्त संबंध के आधार पर। तो जो प्राचीन विधियां थी उसमें दो तरीके की विधियों को अपनाया गया था। कौन कौन सी वो विधियां थी, तो यहां पर आप देखिएगा कौन कौन सी विधि आपको देखने को मिलेगी। तो प्राचीन समय में जो नागरिकता का प्रावधान था, यहां पर आपको दो तरीके की नागरिकता देखने को मिलती है। एक नागरिकता को हम लोग क्या कहते हैं, एक नागरिकता को हम लोग क्या कहते हैं, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर एक नागरिकता होती है, और दूसरा होता है रक्त संबंध के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर। तो नागरिकता के लिए हमारे पास दो तरीके हो गए, एक को हमने क्या कह दिया, जन्म के आधार पर, और दूसरा हमने कह दिया रक्त संबंध के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस। तो बर्थ प्लेस और रक्त संबंध, दो बातें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। एक हो गया आपका बर्थ प्लेस और दूसरा क्या हो गया, ब्लड रिलेशन। तो दो तरीके हो गए। अब इसके अलग अलग प्राचीन जो विधियां थी उसमें अलग अलग इनके नाम भी थे। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं जस सोली। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आपको नया शब्द लग सकता है, इसका नाम क्या था, जस सोली इसका नाम था। प्राचीन विधियों में एक था जस सोली और दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम आपको जस सेंगुइनिस बताया गया, जस सेंगुइनिस। ये दो नाम आपको बतलाए गए जो प्राचीन विधियां थी। तो प्राचीन विधियों में जो जस सोली है इसका मतलब होता है जन्म के आधार पर नागरिकता को देना, और दूसरा था जस सेंगुइनिस और इसका मतलब होता है रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता को देना। तो जब संविधान सभा में इस बात को लेकर के बहस छिड़ी, इस बात को लेकर के विवाद और तमाम प्रकार की चीजें चर्चा हुई इस पर, तो ज्यादातर लोग जो थे वो जन्म के आधार पर इसको ज्यादा प्रेफर करते थे।
कुछ लोगों का मानना यह था कि रक्त संबंध के आधार पर भी हो सकता है। और इसी समय में आप अगर देखेंगे तो 1928 की एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, हमने आपको बताया भी था 1928 की नेहरू रिपोर्ट एक आई थी, और 1928 की नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें भी किस बात को शामिल किया गया था, तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी किस आधार पर नागरिकता को देने की बात स्वीकार की गई थी, तो वो था आपका यही जस सोली या जन्म के आधार पर नागरिकता। तो ध्यान आपको यहां पर ये दोनों बातें महत्वपूर्ण रखना है। इस जो जस सेंगुइनिस था इसको खारिज कर दिया गया था क्योंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो उस समय में इस आधार पर बहुत सटीक नहीं बैठती थी, तो इसलिए यहां पर नागरिकता के आपने दो तरीके देख लिए। अब तीसरा जो पॉइंट आपको यहां पर मिलता है, तीसरे पॉइंट में हम लोग अगर बात करते हैं तो यहां पर बात करनी है हम लोगों को संवैधानिक प्रावधानों की। नागरिकता से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, तो संवैधानिक प्रावधानों की जब हम लोग बात करते हैं तो टोटल आपको कितने आर्टिकल्स मिलते हैं, तो 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल्स आपको मिलते हैं। और 5 से 11 में जो आर्टिकल्स आपको दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि शुरुआती दिनों में नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र देश बनकर के सामने उभरे, और उनमें से कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ पाकिस्तान से भारत आए। कुछ ऐसे भी लोग थे कि ओरिजिनली भारत के रहने वाले थे, यानी कि भारतीय मूल के लोग थे, उनके जन्मे बच्चे कहीं पर और रह रहे थे या भारत में ही रह रहे थे। तो इन सभी के लिए किस तरीके से नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा, इन सभी बातों का अलग अलग जिक्र किया गया। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में भाग आपका कौन सा रहेगा, तो दूसरा भाग आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगर बात करते हैं एक एक आर्टिकल्स की बात कर लें तो बहुत सिंपली आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 5 की, तो आर्टिकल 5 में आपको क्या लिखा गया है, भारत में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में शुरुआती दिनों में नागरिकता का क्या प्रावधान रहा है। अब यहां पर आप देखते हैं कि शुरुआती दिनों में जो नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया था उसमें बहुत बेसिक सा एक नियम बतलाया गया था, और वो नियम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया गया था कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता का क्या प्रावधान किया जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता का प्रावधान, आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान कैसा है, इसका जिक्र आपको कहां पर मिल जाता है, तो ये मिल जाता है आपको आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 6 में आपको किस बात का जिक्र किया गया है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में नागरिकता, कहां से, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। हालांकि देखिए ये सारे जो आर्टिकल्स अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान में रखना है। आर्टिकल 7 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 7 में क्या होगा, जैसे यहां पाकिस्तान से भारत आए तो वहां पर क्या होगा, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार आपको प्रदान किया गया है, ये आपको कहां पर मिल जाता है, तो आर्टिकल 7 में आपको मिल जाता है। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 8 की, तो आर्टिकल 8 में किस बात का प्रावधान है कि भारत के बाहर रहने वाले जो भी भारतीय मूल के लोग हैं उनसे संबंधित अगर व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा पाकिस्तान में आर्टिकल 7 में क्या है कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता का प्रावधान। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है जैसे नागरिकता संबंधी परमिट है
तो उसका यहां पर उनको अधिकार दिया गया। आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों से संबंधित नागरिकता का प्रावधान आपको यहां पर दिया गया। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 9 की, तो यहां से आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। आर्टिकल 9 की अगर बात करते हैं तो नागरिकता प्राप्त कर लेता है अगर किसी दूसरे देश की, तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो नागरिकता होगी वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो भारतीय नागरिकता जो होगी वो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर है ये? तो आर्टिकल 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो आर्टिकल 9 को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि अगर यदि अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, अन्य किसी देश की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा भारतीय नागरिकता जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, मतलब इसका एक और समझिएगा, इसका एक मतलब ये भी हो जाता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो इसका मतलब है कि उसके पास केवल भारत की नागरिकता है, किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं हो पाएगी। तो ये बात आपको कहां पर देखने को मिलता है, आर्टिकल 9 में आपको ये बात देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 10 में अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 10 में आपको क्या बताया गया है, आर्टिकल 10 में बताया गया है कि संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, यानी कि कोई भी व्यक्ति संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के जो भी प्रावधान है उसके अधीन अगर नागरिकता को प्राप्त किया है तो वो नागरिकता जो है उसकी बनी रहेगी। आर्टिकल 11 में किस बात का जिक्र किया गया, तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित अगर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, तो केंद्रीय संसद के पास होगा, जो यूनियन हमारी लेजिस्लेटिव होगी यानी कि पार्लियामेंट के पास इससे संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, तो पार्लियामेंट के। आर्टिकल 10 की अगर बात करते हैं तो यहां पर सीधा सीधा है नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बने रहना। और आर्टिकल 11 में किस बात का जिक्र है, तो आर्टिकल 11 में आपको कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो ये आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय संसद को, संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार होगा। क्योंकि यह किस सूची का विषय है, तो यह है संघ सूची का विषय है, इसलिए इस पर कानून बनाने का कोई भी अगर अधिकार है तो वो अधिकार किसको मिलता है, केंद्रीय संसद को मिलता है, यानी कि नागरिकता से संबंधित किसी भी कानून को बनाने का अधिकार जो होगा वो किसके पास होगा, तो केंद्रीय संसद के पास होगा। और इसका जिक्र जो है वो आपको आर्टिकल 11 में देखने को मिल जाता है। तो यहां तक की बात आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया, और उस अधिनियम को कहा जाता है नागरिकता, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 आपको यहां पर दिया गया है। और नागरिकता अधिनियम 1955 में अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि किस आधार पर आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता के प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि आप पहले नंबर पर जानते हैं बाई बर्थ, यानी कि जन्म से नागरिकता का जो प्रावधान है, तो पहली हेडिंग आपको क्या हो जाएगी, जन्म से नागरिकता। अब जन्म से नागरिकता का मतलब क्या हो गया कि यहां पर कुछ डेट्स को आप ध्यान में रखेंगे। जन्म से नागरिकता का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी
चूंकि हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ था पूरी तरीके से, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अगर भारत के क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा कि उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब इसमें कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखी गई है कि उसके माता पिता की नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीयता उसकी क्या होनी चाहिए, लेकिन दो शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त आपको यह रखी गई थी कि अगर कोई राजनयिक है यानी कि राजदूत है, तो राजनयिक के बच्चे एक क्या होंगे, राजनयिक के बच्चे जो अंबेसडर होते हैं, और दूसरा था शत्रु देश के बच्चे, शत्रु देश के बच्चे, इनको जो है भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। तो जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का जो पहला तरीका था वो ये था कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अगर भारतीय क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप जन्म से भारत के नागरिक माने जाएंगे, माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो सकती है। कंडीशन यहां पर दो रखी गई थी कि कोई भी राजनयिक है तो उसका बच्चा अगर भारतीय क्षेत्र में शामिल हो रहा है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, और कोई अगर शत्रु देश का नागरिक है और भारतीय क्षेत्र में उसका जन्म हो रहा है तो उसको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब जरा सोचिए कि अगर इस तरीके से नागरिकता दी जाने लगी तो कितना आसान हो। तो इस बात का फायदा उठाते हुए जो घुसपैठिए होते थे वो भी भारतीय क्षेत्र में आते थे और बच्चे यहां पर उनके जन्म लेते थे और इस तरीके से उनको नागरिकता मिलने लगी। इस बात को, जो ये लूप होल चल रहा था, इसको हटाने के लिए फिर इसमें एक तरकीब अपनाई गई। तरकीब आपको यहां पर क्या अपनाई गई कि 1986 में, 1986 में इस नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। संशोधन कब किया गया? तो 1986 में इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करने के लिए यहां पर इस बात का प्रावधान किया गया कि 1986 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसके जरिए यह प्रावधान किया गया कि 1 जुलाई 1987, यहां पर एक ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1987 या उसके बाद अगर भारतीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको नागरिकता के लिए आवश्यक होगा कि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। तो यहां पर कंडीशन क्या रखी गई 1986 में संशोधन करके, माता या पिता में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। बात क्लियर है? अब इसके बाद में माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब इसमें भी कहीं ना कहीं लोग इसका मिसयूज करने लगे, तो फिर आगे चल करके साल 2003 में इसमें फिर से संशोधन किया गया। साल 2003 में जब संशोधन किया गया तो संशोधन के बाद यहां पर पुनः एक तारीख बतलाई गई, और वो तारीख थी आपकी 2 दिसंबर 2004, यानी कि 2 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना होगा। यहां पर क्या लिखा गया, 2 दिसंबर 2004 या उसके बाद अगर भारतीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसके लिए कंडीशन आपको क्या अपनाई गई कि उसके माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हों। एक कंडीशन ये हो गई, पहली क्या हो गई कि माता और पिता दोनों क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। या तो ये कंडीशन पूरी हो या फिर इनमें से, माता और पिता में से एक नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको एक बार फिर से सभी को समराइज करता हूं। पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 वो ऐसा एक अधिनियम है जिसके अंतर्गत नागरिकता को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके बतलाए गए,
और उन सभी तरीकों में से बेसिकली कुल पांच तरीके बतलाए गए। उन पांच तरीकों में से जो पहला तरीका है वो है आपका जन्मसिद्ध नागरिकता, यानी कि बाई बर्थ अगर किसी को नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन आपको जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय एक कंडीशन आपको यहां पर बतलाई गई थी, और वो कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारतीय क्षेत्र में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। शर्त यहां पर दो रखी गई थी, एक था कि अगर कोई राजनयिक है तो राजनयिक के बच्चे अगर भारतीय क्षेत्र में जन्म ले रहे हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या रखी गई थी कि शत्रु देश का अगर कोई व्यक्ति है उसके बच्चे अगर भारतीय क्षेत्र में जन्म ले रहे हैं तो उसको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये हो गया आपका पहला कंडीशन जो कि 1955 में नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत इस बात को बतलाया गया। बहुत रिसेंटली जो संविधान लागू हुआ था तो उस समय की कंडीशन ये थी। फिर इन सभी बातों को मिसयूज किया गया, घुसपैठी आकर के भारत में भारतीय नागरिकता को बहुत इजीली प्राप्त करने लगे। कंडीशन क्या बनाई गई, 1986 में संशोधन किया गया और संशोधन करने के पश्चात बतलाया गया कि 1 जुलाई 1987 या उसके बाद अगर भारत में कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसके माता या पिता में से, ध्यान रखिएगा, माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक अगर है तो उससे क्या होगा कि भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब यहां पर भी कंडीशन क्या थी, जैसे कोई घूमने आया, भारतीय नागरिक से कोई प्यार वर किया, शादी कर लिया, बच्चे पैदा हो गए तो उनको भी भारतीय नागरिकता मिल जा रही थी। तो उस कंडीशन को, उस समस्या को भी हटाने के लिए क्या किया गया कि 2003 में फिर से एक बार संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया कि 2 दिसंबर 2004 या उसके बाद अगर भारत में कोई भी व्यक्ति जन्म ले रहा है और उसको बाई बर्थ भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि माता और पिता, यहां पर हमने या लिखा है, यहां पर हमने एंड लिखा है, तो माता और पिता यानी कि यहां पर कंपलसरी हो गया कि दोनों को नागरिक होना चाहिए। अगर ये दोनों नागरिक नहीं हो रहे हैं तो एक कंडीशन थोड़ी सी और सहूलियत के साथ थी, ये कंडीशन थी कि अगर माता और पिता दोनों नागरिक नहीं है तो चलो कोई बात नहीं है, माता या फिर पिता में से कोई एक नागरिक हो जाए, लेकिन जो दूसरा वाला हो वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी कि वैध प्रवासी होना चाहिए, तब जा करके, यानी कि एक वैध प्रवासी हो और दूसरा भारत का नागरिक हो तब जा करके उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ये था आपका पहला, जिसमें नागरिकता को प्राप्त करने का ये पहला तरीका था, और ये था आपका बाई बर्थ, यानी कि जन्म से नागरिकता को प्राप्त करने का ये तरीका आपको बतलाया गया था नागरिकता अधिनियम 1955 में। फिर 1986 में संशोधन किया गया, फिर 2003 में भी इसमें संशोधन करके ये बात आपको यहां पर बतलाया गया। यहां तक की बात क्लियर होगी आपको। दूसरे नंबर पर है आपका वंश परंपरा के आधार पर बाई डिसेंट। अब देखिए, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता का यहां पर बहुत सीधा सा मतलब ये होता है कि जैसे कि हम भारत की, भारतीय मूल के लोग हैं और भारतीय मूल के लिए अगर वंश परंपरा के आधार पर है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, दूसरा आप हेडिंग बनाइएगा वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर। अब वंश परंपरा के आधार पर अगर नागरिकता लेना है तो इसका मतलब होता है भारतीय मूल के लोग रहेंगे लेकिन इनका जन्म कहां पर हुआ होगा, भारत के बाहर होगा। तो भारतीय नागरिकों के ऐसे बच्चे जिनका जन्म विदेश में हुआ हो और उन्हें वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो पहला पॉइंट इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि भारतीय मूल के लोग हों, भारतीय मूल के लोगों के बच्चे, भारतीय मूल के लोगों के बच्चे जिनका जन्म कहां पर हुआ हो, बाहर हुआ हो या विदेशों में हुआ है,
बाहर हुआ हो इनका जन्म या फिर इनका जन्म विदेशों में हुआ हो, तो उस कंडीशन में वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता को प्रदान किया जा सकता है। यहां पर प्रावधान ये था कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर जन्म भारत के बाहर हुआ है और उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक होगा, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि उनको वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आप यहां पर क्या लिखेंगे, 26 जनवरी या उसके बाद जन्म होना चाहिए, कहां पर, बाहर होना चाहिए। कंडीशन क्या रखी गई, कंडीशन रखी गई कि उसके जन्म के समय उसका पिता क्या होना चाहिए, केवल पिता की बात की जा रही है, पिता नागरिक होना चाहिए, पिता नागरिक होना चाहिए। ये बात आपको कहां पर मिल जाती है, तो ये आपको वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करने के लिए बतलाया गया। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ी ये होती है कि माता को निग्लेक्ट कर दिया गया, तो माता को निग्लेक्ट किया गया तो माता के नागरिक होने पर यह अधिकार प्राप्त नहीं था, तो ये एक गड़बड़ी थी और इसको 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम को पारित करके, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 को इसको पारित किया गया और उसमें फिर यह प्रावधान कर दिया गया कि 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद अगर भारत से बाहर किसी का जन्म हुआ है तो उस कंडीशन में भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो यहां पर 1992 में यहां पर संशोधन किया गया और संशोधन के पश्चात यहां पर माता या पिता दोनों को कर दिया गया कि माता या पिता में से कोई एक अगर नागरिक है तो उसको यहां पर नागरिकता दिया जा सकता है। किस आधार पर, तो वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है। आगे चल करके साल 2003 में इसमें फिर से संशोधन किया गया, 2003 में फिर से इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद क्या प्रावधान अपनाया गया, संशोधन के बाद यह बताया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्म लेने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो उसको वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर माता पिता को इससे संबंधित एक शपथ पत्र जो है वो दाखिल करना पड़ेगा। और इस बात को बतलाया गया कब, 2003 में संशोधन करके बतलाया गया और वहां पर तारीख आपको दी गई थी 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 को तारीख दी गई, 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद अगर कोई नागरिक कोई व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कंडीशन ये लगाई गई कि एक वर्ष के भीतर जो माता या पिता होंगे इनके द्वारा उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर एक शपथ पत्र देना पड़ेगा और उस शपथ पत्र में ये बतलाना होगा कि इसके पास कहीं और का कोई भी पासपोर्ट नहीं है। क्योंकि आपने इस बात को समझ लिया है कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो भारत की नागरिकता के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता उसके पास नहीं हो सकती है, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो दूसरा तरीका आपके पास क्या हो गया, वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता को हमें आवश्यकता कब पड़ती है, जब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है और उसका बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है। पहले वाले में क्या था, भारतीय क्षेत्र के अंदर, दूसरे वाले में क्या है, भारतीय क्षेत्र से बाहर अगर जन्म लेता है तो भारतीय मूल के लोगों के बच्चे जन्म इनका कहां पर होना चाहिए, बाहर यानी कि विदेशों में होना चाहिए। 26 जनवरी या उसके बाद अगर उसका बाहर जन्म होता है तो वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। कंडीशन था कि पिता उसका नागरिक होना चाहिए उसके जन्म के समय, ये एक गलती थी, एक त्रुटि थी। इसको दूर करने के लिए 1992 में संशोधन किया गया और संशोधन किया गया कि माता और पिता इन दोनों में से कोई एक उसके जन्म के समय नागरिक हो तो उसको वंश परंपरा के आधार पर बाय डिसेंट उसको नागरिकता मिल जाएगी।
फिर 2003 में संशोधन किया गया और बताया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद 4 को या उसके बाद अगर कोई बच्चा भारत से बाहर जन्म लेता है और उनके माता या पिता में से कोई नागरिक है तो उसके लिए एक कंडीशन ये लगा दी गई कि 1 वर्ष के भीतर उनके माता या पिता में से इस बात का शपथ जारी करना होगा कि इनके पास किसी अन्य देश का कोई भी पासपोर्ट नहीं है। तो ये आपको कैसे मिल जाता है, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। तीसरा तरीका आपके सामने होता है, तीसरे तरीके में आपके सामने होता है पंजीकरण के माध्यम से, बाई रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण के माध्यम से अगर नागरिकता को प्राप्त करना है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, बाई रजिस्ट्रेशन, अब पंजीकरण से अगर नागरिकता प्राप्त करनी है किसी भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करनी है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होगा कि केंद्र सरकार को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और एप्लीकेशन देने के लिए आपको ध्यान में रखिएगा कि कितने वर्ष रहना पड़ेगा, तो 7 वर्ष भारत में पहले रहना पड़ेगा, 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो वही क्या कर सकता है, बाई रजिस्ट्रेशन जो है यानी कि पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कंडीशन है कि 7 वर्षों तक वो भारत का निवासी रह चुका हो। अब यहां पर अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का निवासी वो हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर भारतीय नागरिक से कोई विवाह किया है तो उस कंडीशन में भी बाई रजिस्ट्रेशन जो है वो भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो 7 साल तक उसको सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए। सवाल आपको यही पूछा जाता है, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बाई रजिस्ट्रेशन अगर किसी को नागरिकता की आवश्यकता होगी तो वो कितने दिनों से भारत में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 7 वर्षों तक भारत में अगर निवास कर रहा है तो उसको नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। तो यहां पर आपको ये तीसरा तरीका था किस तरीके से बाई रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद देखेंगे तो एक होता है नेचुरलाइजेशन यानी कि प्रकृति के आधार पर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशीकरण के माध्यम से। चौथा तरीका क्या होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं देशीयकरण, या इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरलाइजेशन बाई नेचुरलाइजेशन, या फिर देशीकरण, या इसी को प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। तो इस आधार पर अगर नागरिकता को प्राप्त करना है तो इसके लिए आवश्यकता किस बात की होगी कि सामान्य रूप से आवेदन करने से पहले 12 महीने लगातार रहना चाहिए और कुल मिलाकर के सामान्य रूप से वो 12 वर्षों तक अगर भारत में रह रहा है, भारत का निवासी है, तो उसको जो है वो नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब भारत में रह रहा हो या भारत में किसी सरकारी सेवा में रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना होगा कि भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और उसको एक कंडीशन हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि उसको अपने मूल देश की नागरिकता को परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की नागरिकता अगर आप लेने चल रहे हैं तो आपके पास केवल भारत की नागरिकता होगी, किसी अन्य देश की नागरिकता जो है वो आप नहीं रख सकते हैं। तो यहां पर प्रकृतिकरण के माध्यम से अगर रहना है, नागरिकता लेना है, तो 12 वर्षों तक जो है उसको सामान्य निवास करना होगा। सामान्य निवास कितने दिनों का, तो 12 वर्षों का। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में वर्णित जो भाषाएं हैं, 22 भाषाओं की चर्चा हम लोगों ने किया था, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान उसके पास होना आवश्यक होता है। तो ये आपको हो जाता है किसके लिए, खास करके इसमें वही लोग आते हैं जो कि सरकारी सेवाओं में होते हैं, जो सरकारी सेवाओं में होते हैं उन्हीं के लिए ये वाला ज्यादा विशेष रूप में माना जाता है, देशीकरण और या बाई नेचुरलाइजेशन।
एक तरीका और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र अर्जन से नागरिकता। पांचवा होता है ये, क्षेत्र अर्जन से नागरिकता। बहुत आसान है ये, क्षेत्र अर्जन से अगर नागरिकता लेना है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर भारतीय क्षेत्र में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है, मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है, तो वहां पर जितने लोग रहने वाले हैं उनको भी भारतीय नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। तो अगर किसी क्षेत्र को अर्जित किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि भारतीय नागरिकता उसको अपने आप यहां पर मिल जाएगी। तो ये बात आपने समझ लिया कि भारत में नागरिकता जो होता है वो कितने तरीके से आपको मिलता है। तो नागरिकता के मिलने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने, जैसे ये पहला हम लोगों ने देख लिया कौन सा तरीका था, तो जन्म से नागरिकता। और जन्म से नागरिकता के बाद की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने जन्म से नागरिकता की बात किया था, इसके बाद यहाँ पर सारी बातें आपको कन्फर्म है, फिर इसके बाद हम लोगों ने वंश परंपरा के आधार पर बात किया, तीसरे में फिर हम लोगों ने बात किया था बाय रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर ये 7 वर्ष आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने 2 और की बात किया था, एक था देशीकरण, दूसरा था अर्जित क्षेत्र। देशीकरण के लिए 12 वर्ष आपको सामान्य निवास होना चाहिए, 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, किसी एक भाषा का। सरकारी सेवाओं में रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है। और इसके बाद में पांचवा जो होता है वो क्षेत्र अर्जन से नागरिकता को प्राप्त करना। अब यहां पर क्या होता है, नागरिकता की समाप्ति भी आप कर सकते हैं। तो नागरिकता की समाप्ति की अगर हम लोग बात करें, नागरिकता की समाप्ति की बात करते हैं, तो एक चीज तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि अगर भारत का नागरिक बने रहना है तो कहीं और की नागरिकता आप नहीं रख सकते हैं। तो पहली चीज तो यही हो गई कि अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आप प्राप्त करते हैं तो आपकी अपनी नागरिकता जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरा कंडीशन है कि अगर अपनी स्वेच्छा से आप भारतीय नागरिकता को परित्याग करना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है कि आपकी नागरिकता को छीन लिया जाए, यानी कि आप ऐसे कुछ कृत्य करें जिससे आपकी नागरिकता को छीनना सरकार की ये मजबूरी हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। जैसे विवाह के बाद, या फिर आप कोई राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जो कि भारतीय नागरिकता को छीना जा सकता है। तो ये था हम लोगों का आज का क्लास जो कि नागरिकता पर आधारित था। कुछ एक पॉइंट में आपको अभी नागरिकता में और भी बतलाना है, उसको हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अच्छे तरीके से चीजों को आप तैयार करिए, बहुत बेसिक सवाल यहाँ से बनते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता इस टॉपिक में फिलहाल नहीं है। उतना ही आप पढ़िए जितना आपको पढ़ाया गया है, ज्यादातर सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, और आप उसको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको आप करके देखिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कल की क्लास में हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।